वकार का फ़ायदा नहीं ना, वरना तो मैं वकार को ही बिठा देता। वकार अगर इस काबिल होता तो, मतलब इस लिहाज से इस काबिल होता तो बिठा देते वकार को भी, उसका शोभा नहीं है ना असल में। वो अपनी अपने शोबे में माहिर है, अब मैं उसको इसीलिए उसी में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ मार्केटिंग में। मुझे खुशी होती है कि अब जो इकाल कोई बेचो, तो मैंने तो सही कहा कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग वाला टॉपिक तुम पढ़ो। प्राइमेट, ठीक है, प्राइमेट और की लाइट। की लाइट का प्लगइन आप लोगों ने पढ़ा था शायद बचपन में, ठीक है ना। तो आफ्टर इफेक्ट्स में जो ये प्लगइन था, ये बेसिकली ओरिजिनल इसकी औलाद है, न्यूब की। की लाइट के अलावा प्राइमेट भी मिल जाता है आपको आफ्टर इफेक्ट्स में, लेकिन वो आपको अलग से थर्ड पार्टी के रूप में डाउनलोड करना पड़ता है। की लाइट तो उन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स में बिल्ट इन कर दिया, लेकिन प्राइमेट आपको डाउनलोड करना पड़ता है। इससे बहुत सारे ऐसे हैं प्राइमेट में, अगर आप टू कॉम्पीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही है वो कॉम्पीट कंप्यूट ऑटो कम साफ कर देगा। कहाँ से लेके आना है? यहाँ से कैसे होगा? ये सवाल तो बहुत अहम सवाल है, जो तुम लोग पूरा सॉफ्टवेयर एंड होने के बाद सवाल पूछ रहे हो। राइट की नोट मैंने स्टार्ट में कही थी, ठीक है। राइट की नोट का काम ये होता है कि आप इसको कहाँ पे सेव करवाना चाहते हैं वो बताते हैं, ठीक है, और किस फॉर्मेट में सेव करवाना चाहते हैं। कहेंगे भाई कहेंगे फॉर्मेट फाइल टाइप जो चाहिए होगा, फॉर्मेट टारगा चाहिए आपको, मूव चाहिए। नहीं अल्फा के साथ चले जाएगा, अल्फा के साथ चले जाएगा वो इशू कोई नहीं है, टारगा हो जाओगे ना फिर कंपोजिट हो जाएगा। टारगा हाँ तो भेज सकते हो ना आप इसको, अल्फा के साथ भेजोगे ना आप इसको, अल्फा के साथ भेजोगे तो चले जाएगा। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में करता हूँ ऐसे इसमें हो जाएगा। आज सबको पता है आप तुम लोगों को चाय तायर पिला रहा है, नहीं चेंज नहीं कर रहे बेटा, आज तो चाय तुम्हारी तरफ से है सबके लिए। कहाँ है भाई निकम्मा वो क्या नाम है इसका, अंजला वो थक गए हो ना सारे, चाय तो पियोगे बेटा। ये आज ताहिर की तरफ से चाय आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेव करवा दोगे, इसके ऑप्शंस देखोगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यहाँ से RGB ए अल्फा के साथ भेजोगे आप, हाँ वो अल्फा हो जाएगा ना जब आप कटिंग करोगे, अल्फा के साथ आप भेजोगे इसको। और कितने कितने फ्रेम रेंडर करने हैं वो आप उसमें बता देते हो, लिमिट करनी है एक फ्रेम करनी है क्या करनी है, तो वो उसको आप रेंडर भेज दोगे। नहीं उसकी तो वीडियो वीडियो भेजोगे ना, सीक्वेंस भेजोगे तो सीक्वेंस आएगा,
डिपेंड करेगा ना तुम भेज क्या रहे हो। टारगा दिया ऐसे मैंने, टारगा लेंगे तो टारगा दर्शी भाई, टारगा भी अगर सीक्वेंस हो गए तो आपके पास चुका है ही इसमें एक ही फ्रेम, वीडियो तो है नहीं तो एक ही रेंडर करेगा। किसलिए प्राइमेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पास, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बंद ही कर दिया यार। ये फड्डा जो है ना असल में रहता है क्योंकि क्रैक वर्जन है ना, लाइसेंस वर्जन होता है ना तो उसमें ये इशू नहीं आता, क्रैक वर्जन में ये फड्डा रहता है। जो इंडस्ट्री वाले इस्तेमाल करते हैं ना, इंडस्ट्री वाले क्रैक वर्जन यूज़ नहीं करते, चैनल वालों को वैसे भी प्रोडक्शन वालों को वैसे भी वो लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, अगर टू कंप्यूट किया नहीं, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे पाकिस्तान, वादी एनिमेशन इस्तेमाल कर रहा है भाई इसको। हाँ, ये जितनी जो तीन बहादुर और ये और जितनी मूवीज जो बन रही है उसको जो है बनाने वाले वो लोग इसी के ऊपर कर रहे काम भाई, कंपोजिट माया से नहीं। तो माया तो बेटा आपका 3D कैरेक्टर एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, उस एनिमेशन के सॉफ्टवेयर से सिर्फ और सिर्फ जो है वो मॉडल रेंडरिंग एनिमेशन बनती है, कंपोजिट होकर उसकी लाइटिंग की मजीद सेटिंग वगैरह सब की सब जो है वो इन कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में होती है, तो ब्लैक मैजिक में होती है या इसमें होती है, कंपोजिटिंग का सॉफ्टवेयर है। आप माया के साथ है नए 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 कोर्स आउटलाइन में डाल दिया वो, तो ब्लैक मैजिक जो है बेसिकली वो कंपोजिटिंग का सॉफ्टवेयर है, फ्यूजन कंपोजिटिंग के लिए वो, और सेम इसी स्ट्रक्चर का है जैसा इसका नोड वाला स्ट्रक्चर है उसका भी सेम, और माया में भी नोड वाला स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर का जो स्टाइल है ना उसका वो नोड बेस है। माया खैर बहुत बड़ी चीज़ है, नोट मतलब मेरे पास एक पूरी वीडियो पड़ी। देखो पहली क्लास या दूसरी क्लास में तुम्हें क्या समझ में आएगा बात की, उसके बाद जाके ही होता है कि आपको, क्योंकि अब आफ्टर इफेक्ट्स तुम लोग चला चुके, काम कर चुके, आ चुके, अब इस पे काम कर रहे थे, तो आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करते हुए जो परेशानियाँ आ रही है, यू प्रोजेक्ट भी बना रहे हो और न्यू पे काम करते हुए जो है वो चीज़ें किस तरीके से उसकी आयर की कैसे मैनेज करते हैं, वो डिफरेंस हम लोगों ने खुद प्रैक्टिकली देख लिया। ठीक है ना, तो जब बंदा प्रैक्टिकली चीज़ देखता है ना तो वो ज़्यादा उसको बेहतर समझ में आती है कि क्या चीज़ जो है वो बेनिफिशियल है, क्यों क्यों बेनिफिशियल है वैसे। ठीक है, अच्छा यहाँ आपके पास इस पर बेशुमार ऑप्शन है, टू कंप्यूट तो ऑटोमेटिक था, अगर आप कस्टम करना चाहते हैं सबसे पहले आप देते हैं स्मार्ट सिलेक्शन बीजी कलर, मैंने कहा था एडजस्ट लाइटिंग, जैसे आप एडजस्ट लाइटिंग करते हैं तो क्रोमा की अगर लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंस होती है ये खुद एडजस्ट करेगा, लेकिन चूंकि इसमें तो स्मूथ है इसमें इसने इशू नहीं किया, लेकिन फिर भी हम ये करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देख रहे हो सिर्फ इस पर पॉइंट कंट्रोल का क्लिक करना होता है आपको, कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट, साफ कर दिया इसे। ठीक है, डब्बे कहाँ रह गए, अब उसको आप देखोगे अल्फा में, अल्फा करोगे तो आपको आवाज़ चलेगा कि अच्छा क्या क्या कुछ बाकी है, अभी देख लो ये गायब हो गया है। तो इस पर आप आओगे क्लीन एफ जी नॉइस, ऐसे एफ जी नॉइस सही करोगे ये बढ़ जाएगी कुछ ना कुछ चीज़ें। फिर क्लीन बैकग्राउंड नॉइस, फोरग्राउंड नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस,
हुआ? नहीं, ऑटो कंप्लीट हटा दिया हमने, कस्टम कर रहे हैं हम, रीसेट किया था ना। हाँ ना, रीसेट बटन है, देख लो ये आपके पास रह गया। इसको आप चाहो तो यहाँ तो स्पिल में आ जाओ, स्पिल माइनस। देखो अगर ऑटो में हो जाता है मसला हल तो मैनुअल पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समहाउ आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप जो है वो मैनुअल पे आए, तो यही ऑप्शन आ जाएंगे आपको। ऑप्शन का तरीका चेंज हो जाएगा लेकिन आएंगे ऐसे ही, जैसे इसमें आ रहा है ना, चार चीज़ें आएंगी बुनियादी, बैकग्राउंड नॉइस, फोरग्राउंड नॉइस और स्पिल, और आपके पास जो है वो ये मैट, मैट डिटेल। मैट आपके पास क्या होता है? मैट यही होता है आपके पास अल्फ़ा के नाम आके यहाँ जो हिस्सा होता है ये। फिर आपके पास क्या होता है, आप कभी भी जो है पूरा साफ़ करने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। जितना ये आपका मेन ये साफ़ हो गया ना, इसके करीब साफ़ हो गया, फिर बाकी हिस्से को मास्क कर देते, टेंशन नहीं पालते हो। नहीं समझे? समझ आ रही है? नहीं, ठीक है। इसके अंदर में आपके पास बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, क्या क्या स्मार्ट सिलेक्शन बता दिया मैंने, क्लीन बैकग्राउंड नॉइस, क्लीन फोरग्राउंड नॉइस, ये क्लियर है, ठीक है। मैट स्पंज आपके पास, मैट स्पंज आपके पास अल्फ़ा के अंदर में आपको नज़र आता है कि अगर बाज़ दफ़ा ये जो हल्के फुल्के जो दाने वगैरह होते हैं, ये को बढ़ाना है कम करना है, ये सारे काम है आपके पास। साफ़ करना है ना आपको, देखोगे कि मैट स्पंज की ज़रूरत है या आपको जो है वो मैट करने की ज़रूरत है। ठीक है, फोरग्राउंड के साथ कुछ है, रीस्टोर डिटेल तो खराब नहीं होगा। स्पिल स्पंज, स्पिल स्पंज अलग चीज़ है और स्पिल प्लस और माइनस अलग चीज़ है। स्पिल प्लस और माइनस बेसिकली क्या काम करता है आपके पास, कि ये जो कोई भी ग्रीन या कलर होता है ना या ब्लू कलर होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कलर बढ़ाएगा। अगर मैं इसको दिखाऊं, जैसे यहाँ है, अब देखो यहाँ ग्रीन कलर है लेकिन वो माइनस हो गया और माइनस हो गया, स्पिल प्लस आ गया सर ग्रीन कलर। कपड़े के ऊपर ग्रीन का इफेक्ट था, हटा दिया था, आया, लेकिन आप देखो साथ साथ बालों के अंदर में भी आ जाएगा इशू, तो उसको आपको फिर जो है वो कुछ स्प्लिट माइनस में कराना पड़ेगा सीधे, ठीक है, हल्की सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैट प्लस, मैट माइनस, मैट भी इसी तरह की चीज़ होती है। स्पंज कलर, कलर के लिए आएगा, कलर करेक्शन के लिए, कलर ख़त्म करना है आपने, कलर बढ़ाना है आपने, स्पिल स्पंज डिटेल। ये इस इमेज में तो खैर नहीं होगी, लेकिन बाद जब आपको डिटेल जब चाहिए होती है ना, क्रोमा की कटिंग करने में डिटेल उड़ गई है, उस डिटेल को बालों की अगर लेकर आना है तो वो उस काम में आएगा, डिटेल माइनस और डिटेल प्लस आपके पास। समझ रहे हैं या नहीं? बाकी तो खैर अलग चीज़ें, ये ज़्यादातर इस्तेमाल में आती चीज़ें इसकी, ये सबसे ज़्यादा होगी क्लीन बैकग्राउंड, क्लीन फोरग्राउंड, ये ऑप्शन आपके पास वहाँ नहीं थे आफ्टर इफेक्ट्स में, ठीक है ना, की लाइट में थे। फिर फर्दर इसमें अगर ऑन करना है, फाइन ट्यूनिंग ऑन करोगे यहाँ से, यहाँ से अगर फाइन ट्यूनिंग आ जाएगी, स्लाइडिंग के ऑप्शन हैं, ठीक है, बदतमीजी मारेगा कुछ ना कुछ। आपके पास हाइब्रिड है, हाइब्रिड को अगर आप ऑन करते हैं,
समझ नहीं मार रहा है, उसके बगैर बेहतर है ज़्यादा। एडजस्ट लाइटिंग की भी है, यहाँ से आप लाइटिंग को चेंज और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक हुई हुई थी क्रोमा जब काटने से पहले की चीज़ें, तो उस लाइट को आप एडजस्ट करना है अगर आपने, तो यहाँ से कर सकते हो। क्लियर हुआ है या नहीं? ठीक है, और इसी के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन मौजूद है बैकग्राउंड को, तो आप इसके साथ लगा दे तो खुद ब खुद उसी नोट के साथ बगैर मर्जी आप कुछ और लगाए नहीं, खंगालना पड़ेगा तुम लोगों को तो। क्या थोड़ा सा खंगालोगे तो इसी तरह की लाइट है आपके पास। अब की लाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मास्क इन बैकग्राउंड सोर्स दिया हुआ ये, और मास्क आउट। अगर कोई मास्क आपने इन कराना है, किसी उसी मास्क का आउट करवाना है, तो वो आप इस पर कर सकते हो। ज़्यादा ऑप्शन है थोड़े से इसमें की लाइट्स प्राइमेट से, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है ना काम का ही है, कोई चीज़ है। स्क्रीन कलर देख रहे हो, ये पड़ डाल गया बस, ये चीज़ है। अल्फा कुछ सेटिंग कुछ है ना, तो यहाँ से चल गया। हम यहाँ से कंगालते जाओ, देखते जाओ क्या है क्या नहीं। जैसे हमने ये बढ़ाया, बालों में भी आ गया ये चीज़ें। स्क्रीन मैट ये कीज के साथ खेलना है, खेलोगे तो ऑटोमेटिकली ये सही रह जाएगा, ये साफ हो जाएगा। ताहिर चाय मंगवा रहा है तुमसे फिर। हाँ ट्रेनिंग कलर करेक्शन भी कौन मास्क नहीं लगा हुआ, मास्क लगा होता तो फिर आप उस मास्क के इनसाइड और आउटसाइड को जो है वो चेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन तकरीबन उसी तरह के तो नहीं है, लेकिन की लाइट आपने किया था उस तरह के है। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट से की लाइट जहन में हो, तो उसके जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे और उससे ज़्यादा पॉइंट्स इसमें हो। कंपोजिट है आपके पास, सोर्स देखना चाहोगे, अल्फा देखना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे, ये वो ये स्टेटस है। इनसाइड मास्क देखना चाह रहे हो, लगा हुआ ही नहीं, आउटसाइड माल भी कोई लगा हुआ नहीं है, सोर्स अल्फा में कुछ है, सोर्स मैट में कुछ है, ये आया। ठीक है, इसको सही करना होगा। सोर्स मैट कहाँ था हमारे पास, स्क्रीन मैट।
है। ओके एडजस्ट, मैट से जाके एडजस्ट करोगे तो जिस चीज़ को जो सेटिंग आपको चेरनी है उसमें से जाओगे उसको एडजस्ट करोगे उसके साथ सेट करोगे। नहीं नहीं यार इस उसमें बच्चे जैसे हम अल्फा में जा रहे थे ना उसमें अल्फा में जाके हम बैकग्राउंड नॉइस फोरग्राउंड उसको चेंज कर रहे थे, इसमें क्या था मैट को चेंज किया आपने, यहाँ से मैं आया और मैट में आया सिर्फ हमने नीचे से देखो इसको स्क्रीन मैट की चीज़ें कुछ बढ़ा दी थी पहले, तो यहाँ तो वैसे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा था लेकिन बुरा लग रहा था थोड़ा सा उसका। हाँ उसके अंदर मैं आपके पास क्या हो गया कि आपको बता दिया कि पड़ा क्या है सर में कहाँ गया भाई स्क्रीन मैट। देखो ये जब शेप होता है ना पूरा शेप ये फाइन होना चाहिए, इसके अंदर में कहीं ब्लैक आ रहा है ना इसका मतलब है कि वो वहाँ से की जाए वो कलर हट गया आपका, तो उसको कवर करना होता है। उसके एजेस वगैरह जो है आपको देखने होते हैं शार्प करने हैं स्मूथ करने हैं कैसे करने हैं तो वो सेटिंग वगैरह इसमें करनी है। अब देखो तो इसको जैसे हमने देख लो तो ये बहुत सारे ऐसे जर्रे होते हैं जो आपको वैसे नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन वो होते हैं। अब ये बढ़ा दिया था हमने पहले नहीं, नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं हमें, हल्का सा बढ़ाएंगे जो सॉफ्ट एजेस और ब्लर वाला वो आपको होता है ना ऑप्शन फेदर इट्स लाइक दिस मज़ीद शार्प किया आपने। देखो यहाँ आ गया आप, ये नहीं आना चाहिए नोट से लगाएंगे उसको, रोटोस्कोपी नोट लगाओगे और उसके साथ मास्क को ज्वाइन करा दोगे बस, तो क्या होगा ये बनेगा और ये कट जाएगा। हो गया सही समझ रहे हो या नहीं, ये आप भी मसला है समा आई है या फ्लाइट गई है सुजान यू क्लियर है ना, पढ़ा नहीं है ना क्योंकि इसके बाद तुम्हारा आफ्टर फेस स्टार्ट करना है मुझे, ये ख़त्म होते ही इनकी ख़त्म होते ही तुम्हारा आफ्टर फेस स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह तुम्हारा जो आफ्टर फेस का पीछे था भाई एक सॉफ्टवेयर तुम लोगों से यार किसी बात इन पेपर तुम लोगों का साथ ही कराएंगे। अलग अलग नहीं करवाएंगे अलग अलग में परेशानी होती भाई, एक साथ करो जान छोड़ो हजम है बात। कींग के और भी तरीके हैं इन दो के अलावा प्राइमेट के अलावा वो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि तुम लोग उसको ज़रा अपने तौर पे देखो कहाँ गया कींग, हाँ आई बी के कलर गिज़्मों के साथ किस तरह काम होता है इसका ट्यूटोरियल देखना आप लोगों का काम है, ये सवाल पेपर में आता है इसलिए स्पेशली मैंने बताया ये बात।